हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज विभा और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वर्ड्स यूज्ड फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ किलिंग एंड मैनियाज। अलग अलग काइंड्स के किलिंग को और अलग अलग काइंड्स के मैनियाज को हम क्या कहते हैं, उन वर्ड्स की आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। एंड दिस सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वन वर्ड आपके ट्यूशन से क्वेश्चन आता ही है। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन क्विकली, बट बिफोर दैट If you have not subscribed my channel yet, do subscribe it and also share it with your friends as much as you can. Now let's have a look at words used for various kinds of killing. सबसे पहले बात कर लेते हैं killing related words की. So the first one is killing of a newborn child. Newborn child के killing को क्या कहते हैं? उससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि जो भी आपको killing वाले words मिलेंगे उन सभी में आपको रूट वर्ड मिलेगा साइड। यू कैन सी जितने भी किलिंग वाले वर्ड्स हैं सभी में आपको देखो एंड में रूट वर्ड क्या दिख रहा है, साइड। ठीक है, तो आपको कहीं भी ऐसा कोई वर्ड दिखे, चाहे वो कैब में भी देख लो आप, कहीं पर भी साइड वर्ड दिख जाए तो आपको हिंट मिल जाएगा कि ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है किलिंग से, राइट? अब देखो न्यू बॉर्न चाइल्ड, न्यू बॉर्न चाइल्ड को हम क्या कहते हैं, इन्फेंट। तो न्यूबॉर्न चाइल्ड की किलिंग क्या हो गई, इन्फेंटिसाइड। लाइकवाइज ह्यूमन बीइंग की किलिंग को हम क्या कहते हैं, होमिसाइड। ठीक है, एच फॉर ह्यूमन बीइंग, एच फॉर होम, या इस तरीके से याद रख सकते हो, ह्यूमन बीइंग की किलिंग को हम कहते हैं होमिसाइड। नेक्स्ट इज किलिंग ऑफ अ होल रेस, पूरे के पूरे रेस को ही खत्म कर देना, पूरे के पूरे कोई कास्ट है या पूरा का पूरा कोई रिलीजन है उसके सभी लोगों को मार देना, That is genocide. ये वर्ड हम वोकैब में भी कर चुके हैं, द हिंदू वोकैब में हमने ये वर्ड किया था, वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो ये जेन या फिर जेनो रूट वर्ड है, इट मीन्स रेस। ठीक है, रेस या फिर जनरेशन आप कह सकते हो, और साइड मीन्स किलिंग, तो पूरी की पूरी रेस की किलिंग को हम क्या कहते हैं, जेनोसाइड। नेक्स्ट वन इज किलिंग ऑफ वन सेल्फ, ये तो बहुत सिंपल है, सभी को पता है, अपने आप की ही किलिंग क्या होती है, आत्महत्या, सुसाइड, राइट? किलिंग ऑफ अ किंग, किंग की किलिंग को हम क्या कहते हैं, रेगिसाइड। आप कैसे याद रख सकते हो, किंग का रेन होता है ना, REIGN, रेन होता है ना, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो किंग की किलिंग को हम क्या कहते हैं, रेगिसाइड। नेक्स्ट वन इज किलिंग ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स की किलिंग को हम कहते हैं पेरिसाइड। PAR, देखो आप PAR, पेरेंट्स में भी PAR आता है और यहाँ पर भी क्या है, PAR। ठीक है, तो आप देखो मैं आपको लर्न करने की ट्रिक भी साथ साथ बता रही हूँ कैसे आप याद रख सकते हो, पेरेंट्स में भी PAR आता है और पेरिसाइड में भी PAR, तो पेरिसाइड होता है किलिंग ऑफ पेरेंट्स। नेक्स्ट वन इज किलिंग ऑफ अ फादर, अब देखो आप ऐसे याद रखो, देखो किलिंग ऑफ फादर और किलिंग ऑफ मदर को आप कैसे याद रख सकते हो, पेट्रीसाइड और मैट्रीसाइड। आप देखते हो जब हम भी जब भी हम फादर वाली साइड की फैमिली की बात करते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं ना पेटर्नल, वी यूज पेटर्नल है ना फॉर फादर वाली साइड। फादर के हम किसी रिलेटिव की बात करते हैं, मीन्स जो फादर वाली साइड की फैमिली होती है उसे हम पेटर्नल कहते हैं। लाइकवाइज जो मदर वाली साइड होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, मैटर्नल कहते हैं, राइट? आपके कोई चाचा हैं, ताऊ हैं, तो आप क्या कहते हैं, पैटर्नल अंकल। लाइकवाइज अगर कोई आपके मामा है तो आप क्या कहते हो, मैटर्नल अंकल कहते हो ना। फादर वाली साइड पैटर्नल, मदर वाली साइड की फैमिली मैटर्नल, तब उसी से याद रख सकते हो किलिंग ऑफ फादर क्या होता है, पैट्रीसाइड है ना, पैटर्नल होता है ना पैट्रीसाइड, और मदर की किलिंग मैट्रीसाइड, राइट? तो पैटर्नल मैटर्नल से आप इसे रिलेट कर सकते हो, पैट्रीसाइड एंड मैट्रीसाइड। नेक्स्ट वन इज किलिंग वन्स हस्बैंड, हस्बैंड देखो थोड़ा सा ये अलग है कि मैट्रीसाइड से, मैरिटीसाइड। ठीक है, मदर की किलिंग मैट्री हो गया, वन्स हस्बैंड अपने हस्बैंड को मारना, दैट इज मैरिटीसाइड। लाइकवाइज अपनी वाइफ को मारना इज अक्सोरीसाइड, किलिंग ऑफ वन्स वाइफ होता है अक्सोरीसाइड। नेक्स्ट इज किलिंग ऑफ वन्स ब्रदर, अपने ब्रदर की किलिंग करना, दैट इज फ्रेट्रीसाइड। ठीक है, फ्रैटर जो होता है, फ्रैटर एक रूटवर्ड है विच मीन्स ब्रदर। ठीक है, फ्रैटर रूटवर्ड का मतलब होता है ब्रदर, आप कहते हो ना फ्रेटर्निटी,
फ्रेटरनिटी एक वर्ड होता है, उसका मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा। तो फ्रेटर हो गया ब्रदर, साइड में किलिंग, तो किलिंग ऑफ वंस ब्रदर इज नोन एज फ्रेट्रीसाइड। लाइकवाइज किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, सरोरीसाइड। अब देखो एस फॉर सिस्टर, एस फॉर सरोरीसाइड, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। सरोरीसाइड इज द किलिंग ऑफ वंस सिस्टर। तो ये तो थे किलिंग वाले वर्ड्स। अब बात कर लेते हैं मैनियाज वाले वर्ड, ठीक है। किसी चीज के मैनिया को हम क्या कहते हैं? द फर्स्ट वन इज ऑब्सेशन विद समथिंग, मैनिया। पहला वर्ड तो है ही मैनिया, आपको पता होना चाहिए मैनिया होता क्या है, तभी तो आप आगे कर पाओगे वर्ड्स को। तो मैनिया क्या होता है? किसी चीज के पीछे मतलब बहुत ज्यादा पागलपन, ठीक है। एक तरह से मतलब मेंटली आप किसी चीज से ऑब्सेस्ड हो, है ना। हम कहते हैं ना कि ये बंदा तो मतलब मैनिएक है, हम लोग कह देते हैं कि भाई ये मैनिएक है, ये तो मतलब पागल है, मतलब उसे किसी ना किसी चीज का पागलपन है। ही और शी इज ऑब्सेस्ड विद समथिंग, मेंटली ऑब्सेस्ड विद समथिंग, दैट इज मैनिया। तो फर्स्ट तो यही हो गया, ऑब्सेशन विद समथिंग इज नोन एज मैनिया। अब बात कर लेते हैं अलग अलग टाइप के मैनियाज की। नेक्स्ट है ऑब्सेशन विद स्टीलिंग, जिसको चोरी करने का मैनिया हो, है ना, जो चोरी करने के पीछे पागल हो, दैट इज नोन एज क्लेप्टोमैनिया, ठीक है। चोरी करने का जो पागलपन है वो होता है क्लेप्टोमैनिया। नेक्स्ट इज क्रेविंग फॉर एल्कोहल, मतलब वन हु इज ऑब्सेस्ड विद कंज्यूमिंग एल्कोहल, जिसे एल्कोहल कंज्यूम करने की मतलब बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो, क्रेविंग हो, उसे हम कहते हैं डिप्सोमैनिया, ठीक है। उस ऑब्सेशन को डिप्सोमैनिया कहोगे, उस पर्सन को कहोगे डिप्सोमैनिक, ठीक है, आगे सी लग जाएगा। लाइकवाइज जिसे चोरी करने की ऑब्सेशन हो, उस पर्सन को आप कहोगे क्लेप्टोमैनिक, ठीक है। और पर्सन कोई ऐसा जो पागल है उसे आप कहोगे मैनिएक, मतलब आगे सी और लगा दोगे, है ना, क्वालिटीज मैनिया और आगे सी लगा दोगे तो वो एक नाउन हो जाएगा, उस पर्सन के लिए यूज हो जाएगा, राइट। तो क्रेविंग फॉर एल्कोहल हो गया डिप्सोमैनिया। नेक्स्ट इज एक्सेसिव डिजायर टू वर्क, मतलब बहुत ज्यादा जिसके काम करने की डिजायर हो, बहुत ज्यादा उसे मतलब काम करने का मन करता रहे, उसे हम कहते हैं एर्गोमैनिया। एर्गोमैनिया इज द वर्ड फॉर एक्सेसिव डिजायर टू वर्क। नेक्स्ट इज मॉर्बिड इम्पल्स टू लाई, मतलब जिसे झूठ बोलने की लत हो, जिसका झूठ बोलने का बहुत मन करता रहे, जिसे रुका ना जाए झूठ बोले बिना, उसे हम कहते हैं स्यूडोमैनिया। स्यूडो, यहाँ पर पी साइलेंट होता है, सब पी स्यूडो नहीं बोलोगे, इट इज स्यूडोमैनिया। नेक्स्ट इज ऑब्सेशन विद वन सेल्फ, अपने आप का ही ऑब्सेशन, मतलब ऐसा पर्सन जो सिर्फ अपने आप में इंटरेस्टेड हो, दूसरों से कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो अपने बारे में सोचे, वो क्या होता है? ईगोमैनिया। ईगो वर्ड यूज करते हो ना, ईगो खुद के लिए, है ना, जो बहुत ज्यादा मतलब प्राउड हो, दैट इज ईगो। ऑब्सेशन विद वन सेल्फ होता है ईगोमैनिया। नेक्स्ट वन इज ऑब्सेशन विद मनी, प्लूटोमैनिया। इसे आप कैसे याद रखोगे? देखो इसे याद रखो प्लूटो से। प्लूटो आप सभी को बताओगे एक प्लैनेट है, ठीक है, हाँ आप कह सकते हो प्लूटो। तो अगर मान लो किसी को प्लूटो खरीदना है, ठीक है, आपका मान लो आपको प्लूटो खरीदना है, तो प्लूटो खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, मतलब तुम किसी प्लैनेट को ऑन करना चाहते हो, ठीक है, सो इट विल कॉस्ट मच मनी, मतलब बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, ठीक है। तो ऑब्सेशन विद मनी हो गया प्लूटोमैनिया। नेक्स्ट वन इज ऑब्सेशन विद एक्स्ट्रा वेगेंट थिंग्स। एक्स्ट्रा वेगेंट क्या होता है? एक्स्ट्रा वेगेंट होता है खर्चीला, मतलब जिस चीज पर बहुत ज्यादा पैसा लगे, बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो, बहुत महंगी चीजें, आप उसे कह सकते हो एक्स्ट्रा वेगेंट। तो एक्स्ट्रा वेगेंट यानी कि महंगी चीजों का ऑब्सेशन होता है मेगलोमैनिया। कैसे आप रख सकते हो इसमें क्या वर्ड है? मेगा। मेगा मतलब बड़ा, कोई चीज बड़ी होगी तो उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी, दैट्स हाउ यू कैन लर्न दिस वर्ड। मेगलोमैनिया इज ऑब्सेशन विद एक्स्ट्रा वेगेंट, यानी कि महंगी चीजों का ऑब्सेशन, मेगलोमैनिया, मेगा से याद रख सकते हो। नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड इज इंटेंस डिजायर टू रन अवे फ्रॉम होम, घर से भाग जाने का डिजायर, है ना, ऐसा भी डिजायर होता है भाई कई लोगों का, जैसे मतलब मन करे कि भाई घर छोड़ के भाग जाए, बस यहाँ नहीं रहना किसी तरीके, बस भाग जाए,
तो जो घर छोड़ के भाग जाने का डिजायर होता है, दैट इज ड्रेप्टोमेनिया, राइट? ड्रेप्टोमेनिया होता है इंटेंस डिजायर टू रन अवे फ्रॉम होम। तो ये थे कुछ वर्ड्स किलिंग और मैनिया रिलेटेड। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपकी हेल्प हुई होगी इससे। तो अगर आपको ये सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।